दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसका फ़ायदा यह होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी नदी के बारे में बात करेंगे जिसके बीच में अगर कोई भी जीव गिर जाए तो वह ज़िंदा नहीं बचता। तो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये नदी सेंट्रल पेरूवियन अमेजोन के जंगलों के बीचों बीच है और इस नदी की गहराई 16 फीट तक है। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे इस नदी में गिरने वाले हर जीव की मौत हो जाती है? तो दोस्तों, वह चीज़ है इस नदी का तापमान। हाँ दोस्तों, इस नदी का तापमान तो दिन में 94 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिस वजह से इस नदी में गिरने वाला कोई भी जीव जिंदा नहीं बचता। दोस्तों, ये नदी 9 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 6.24 किलोमीटर इसका ऐसा हिस्सा है जहाँ का पानी उबलता है। दोस्तों, इस नदी में आए दिन छोटे मोटे जानवर गिरते ही रहते हैं और जो इसमें एक बार गिर जाते हैं वह फिर जिंदा जल के मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी इस जगह पर बारिश होती है तब इस नदी का तापमान काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग इस नदी में तैरने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस नदी का पानी का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग चाय और खाना बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों, इस नदी के आसपास बहुत से कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जहरीले हैं, और इस नदी के आसपास मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आते हैं, और सबसे पास का हॉस्पिटल भी इस जगह से 3 घंटे की दूरी पर है। इसलिए इस जगह जाने वाले लोग पहले से ही पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। दोस्तों, इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पे बहुत से लोग आए, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये बता पाया हो कि इस जगह का पानी इतना गर्म क्यों है, जिसकी वजह से ये सवाल एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, इस नदी के आसपास पेड़ों की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है, जिसकी वजह से इस जगह को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, और अगर इस जगह को बचाए जाने के लिए सही कदम नहीं उठाएंगे तो ये जगह एक दिन विलुप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी अमेजॉन जंगल की एक नदी के बारे में जानकारी, जो कि सामान्य नदियों से काफ़ी ज़्यादा अलग और ख़ास मानी जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी वीडियो को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी।